उत्तराखंड सरकार के रवैये से नाराज होकर यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार गरीब और आम जनमानस को कोरोना का भय दिखाकर उनके खिलाफ मुकदमा कर रही है और कई लोगों को जबरन क्वारंटीन भी किया जा रहा है। देखिए, हम सब युवा कांग्रेसी जन यहाँ पर शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हुए सांकेतिक धरना हमने किया है। ये एक हम इस निकम्मी सरकार से एक मांग करना चाहते हैं, जो हमारे पूरे उत्तराखंड में केवल 2 टेस्टिंग लैब है इस कोरोना वायरस जो इतनी महामारी चल रही है इस पर, सिर्फ उत्तराखंड में 2 टेस्टिंग लैब है। हमारी ये मांग है हम इस सरकार से कि हमारे क्षेत्र लालको और बिंदुकत्ता में कम से कम 1 टेस्टिंग लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा हमारा ये है कि आम जनमानस को आप जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव अगर या संक्रमित होता है तो उस पर आप वो इधर उधर घूमता है तो उस पर ये सरकार मुकदमा करती है, लेकिन इस सरकार में बैठे हुए लोग मंत्री इस सरकार के सतपाल महाराज इस उत्तराखंड की सर्वोच्च जो विधानसभा है उसमें कैबिनेट में बैठ के पूरे उत्तराखंड के कैबिनेट को कोरोना से संक्रमित करते हैं। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सतपाल महाराज पर मुकदमा हो। पहले तो बेरोजगारी, ऊपर से जब अगर मेरा कोई छोटा भाई अगर दिल्ली से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, उनसे बोलने की ये कोरोना पॉजिटिव है, इसको क्वारंटाइन करो, ये होम क्वारंटाइन है तो कैसे बाहर घूम रहा है। सतपाल जी महाराज कैबिनेट में बैठ रहे हैं, ऊपर से कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? और कैबिनेट में कौन बैठता है? जो सम्मानित आदमी है, भले वो पक्ष में विपक्ष में हो। हमारी ये मांग नहीं कि हमारा पक्ष का आदमी है तभी वो बैठा है कैबिनेट में, विपक्ष में भी है अगर वहाँ पर किसी को अगर सतपाल जी महाराज की वजह से इन्फेक्शन फैला है तो सतपाल जी महाराज के ऊपर भी वही कार्रवाई हो जो हमारे छोटे भाई के ऊपर होती है।